सर्दी मैदानी इलाकों में भी रंग दिखाने लगी है। सुबह और शाम मौसम सर्द रहता है और ऐसे में सड़कों के किनारे अलाव तापते लोग आपको नजर आ जाएंगे। देखिए, मौसम में सर्दी बढ़ जाने की वजह से गर्म कपड़ों की डिमांड भी काफी हद तक बढ़ जाती है, लिहाजा बाजार में गर्म कपड़े सज चुके हैं, स्वेटर्स आ गए हैं, जैकेट्स, आपकी जो भी जरूरत हो उसके हिसाब से आप शॉपिंग कर सकते हैं। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर कोई सर्दी से है परेशान। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछने लगी है, वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर ने दस्तक दे दी है। राजस्थान में तो पारा लुढ़कता ही जा रहा है। फतेहपुर शेखावटी में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे फतेहपुर शेखावटी राजस्थान का सबसे ठंडा शहर बन गया। ये 10 दिन से तो गिर रहा है, आज कुछ बढ़ा है। कल 2.4 था, आज करीब 3.5 के आसपास आएगा। फतेहपुर में पारा लुढ़कने के साथ ही सर्दी का सितम बढ़ने लगा है, लिहाजा ठंड से मुकाबला करने के लिए इंसान और बेजुबान साथ साथ अलाव सेकते दिखाई दिए। फतेहपुर शेखावटी में गुरुवार रात का तापमान 2.4 डिग्री रहा, जो लोगों को दिसंबर वाली कड़ाके की सर्दी का एहसास करा गया। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के मुताबिक पिछले 5 दिनों में तापमान में 5.6 डिग्री तक की गिरावट आ चुकी है। सीकर, चूरू, झुंझुनू और फतेहपुर इलाके में बालू मिट्टी है। रबी फसलों की सिंचाई का दौर भी शुरू हो चुका है। सिंचाई वाले इलाके में नमी आने और रेत जल्दी ठंडी होने से रात ज्यादा ठंडी रहने लगी है। राजस्थान में जहां सर्दी पूरे शबाब पर है, वहीं यूपी में सर्दी से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अयोध्या में तो गर्म कपड़ों का बाजार सज चुका है। तिब्बती मार्केट में गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। तो इनका काम सही चलता है, जो भी देते हैं ये चीजें भी ओरिजिनल देते हैं और साथ में जो है इनका फिक्स प्राइस रहता है, उसमें कोई मोल भाव नहीं। इस बार मार्केट लगी है और बहुत ही अच्छे कपड़े और रिजनेबल रेट में कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, और हम लोग हमेशा यहाँ से ले जाते हैं और ये 3 महीने रहते हैं यहाँ पे। यूं तो उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में ठंड काफी कम पड़ती है, इसके बावजूद लोग ठंड से बचने के लिए कंबल से लेकर स्वेटर और मफलर की खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं। तस्वीरें हैदराबाद की हैं, यहाँ भी गर्म कपड़ों का बाजार सजा हुआ है। नहीं, इनका प्रोडक्ट अच्छा रहता है, एकदम नाम नहीं लगा सकते क्या बोले तो। अब मार्केट में दूसरी जगह मिल रहा मगर गारंटी नहीं है, आप लेके जाएंगे फिर बाद में 6 महीने महीने 2 महीने में खराब हो जाता। इन लोग चीज भी अच्छा देते हैं, पैसे रिजनेबल लेते हैं। दिसंबर में पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की सर्दी पड़ती है, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने लगती है। ऐसे में अभी से लोग ठंड से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजाम में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।